आज यहाँ पर कांग्रेस द्वारा कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। ये कैंडल मार्च जो किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ है, किसानों के साथ जो निर्मम किसानों की हत्या की गई है, एक बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के बेटे के द्वारा गाड़ी चढ़ाकर हत्या की गई है, उसको लेकर निकाला जा रहा है। वहाँ किसान शांतिपूर्वक धरने पर बैठे थे, लेकिन जो बिगड़ेल, जो एक जिसको कह सकते हैं हम कि एक रौब दिखाकर मंत्री का बेटा जिस तरह से उसने अत्याचार किया है वो निंदनीय है, उसको लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से, दो तीन दिनों से हमारे कांग्रेस के बड़े नेता जो सीनियर लीडर है वो किसानों का दर्द बांटने के लिए लखीमपुर जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें बीच में रोका गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। आज हमारे कांग्रेस के नेताओं के दबाव में आने के बाद केंद्र की भाजपा सरकार ने उनको जाने दिया, और हम सब लोग यहाँ यही मांग करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि जो किसानों के साथ हुआ है उस हत्यारे को फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने जिस तरह का कृत्य किया है वो निंदनीय है। शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करते हुए किसान भाइयों पे जिस तरह से बर्बरतापूर्वक अपनी गाड़ी से कुचल करके जो शहीद किया, सबसे पहले तो मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज सीकर के समस्त कांग्रेस जन अपने आप को उन परिवारों के साथ महसूस करते हैं। जिस तरह की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई लखीमपुर खीरी में हुई, आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले इस तरह की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई स्मरण नहीं है। बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करना, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का चुप रहना, और इसमें जिन लोगों की भागीदारी है वो भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री है। ये घटना अचानक नहीं हुई, ये घटना सुनियोजित पूर्ण तरीके से थी।
और इस घटना के चंद दिन पहले न केवल अजय मिश्रा भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री बल्कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिस संविधान की शपथ लेकर के उन्होंने बिना किसी राग द्वेष भेद शासन करने की शपथ ली थी, उस शपथ को तिलांजलि देते हुए अजय मिश्रा ने यह कहा कि मैं तुमको ठीक कर दूंगा, वही हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह निर्देश देते हुए कि लाठियां भांजो, किसानों को रौंद दो और इसके चलते तुम्हें यदि कुछ दिन जेलों में भी रहना पड़े तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम नेता बनकर के बाहर निकलोगे। इस तरह का बर्बरतापूर्ण वक्तव्य किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाना, इस तरह की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई किसी सरकार में बैठे हुए गृह मंत्री का, मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले इस तरह का याद नहीं पड़ता। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम, और इस बलिदान को बेकार नहीं जाने दिया जा रहा। आज आम नागरिक, आम भारतवासी अपने आप को ठगवा सा महसूस करता है कि मोदी सरकार जिस तरह की जिन वादों के साथ आप यहाँ पे आए थे, उन वादों को भूल करके हमारे इस मुल्क की जो एक सामाजिक ताना बाना बना हुआ था, जिस किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, जिस किसान ने भारत के स्वाभिमान को बचाया, जिस किसान के बेटों ने सीमाओं पर जाकर के देश की रक्षा की, वो किसान आज एक साल से सड़कों पे बैठ करके अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन मोदी सरकार और उनके सारे नुमाइंदों के कान पे जू नहीं रेंग रही है। अब वक्त आ गया है, देश का जनमानस इनको बर्दाश्त नहीं करेगा, और इस तरह की हर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की तो मुखालफत करता ही करता है। हम इस बात की भी मांग करते हैं कि इन हत्यारों को फांसी के अलावा इससे कम कुछ नहीं। हमारी नेता प्रियंका गांधी जो वहाँ पे किसानों से बात करने के लिए, उन किसान परिवारों से जिनके परिवार जन शहीद हुए हैं उनसे मिलने के लिए जब जा रही थी, उनको रास्ते में रोक करके जिस तरह से अमानवीय तरीके से उनको जहाँ रखा, अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया, भूपेंद्र हुड्डा जिनके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया, कैसे कोई बर्दाश्त करेगा? पूरा देश उन किसानों के आंसू के एक एक आंसू की कीमत वसूल करेगा इस मोदी सरकार से, और कभी माफ़ नहीं करेगा, और मांग करता है कि हत्यारों को जो है तत्काल फांसी हो, ताकि देश का आमजन जो है इस बात को महसूस कर सके कि देश में एक बार पुनः प्रजातंत्र जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई है, पूरा लोकतंत्र जो है आज तहस नहस है, और हर आदमी के दिल में जो है आग धधक रही है और आंखों में उन शहीदों के प्रति आंसू है। मैं इस मौके पर पुनः उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उन परिवारजनों को महसूस कराता हूँ कि हम सब आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप इस देश की जिस समस्या को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, पूरा देश आज आपके साथ।